हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट कैसे ऐड करें। तो आपको व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लगाने के लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले अपने व्हाट्सएप में चले जाना। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको ऊपर थ्री डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई पड़ रहा है अकाउंट एंड प्राइवेसी, तो हमको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को आ रहा है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बोला कंफर्म फिंगरप्रिंट, तो आपको जो आपके फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उस पर आप अपनी फिंगर को टैप करें। टैप करने के बाद आपको देख सकते हैं कि आपका फिंगरप्रिंट लग चुका है। अगर आप आफ्टर एक मिनट के लिए लगाना चाहते हो, आप एक मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए लगाना चाहते हो, 30 मिनट के लिए लग जाए, इमीडिएटली मतलब हमेशा के लिए आप लगाना चाहते तो आपको हमेशा ही के लिए लगाना होगा, तो आप इमीडिएटली पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप बैक आ जाएं। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने दोबारा अपना व्हाट्सएप खोलोगे तो फिंगरप्रिंट आपको मांगने लगा है। तो फिंगरप्रिंट आपको लगाएंगे तभी आपका व्हाट्सएप ओपन होगा। अगर फिंगरप्रिंट नहीं लगाएगा, कोई आपका दूसरा कोई फिंगरप्रिंट लगाएगा, तो आपका व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा, देख सकते हैं आप।